हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज ये लेक्चर नंबर 3 है, जो आपका बीएससी सेकंड सेम है उसके थर्ड लेक्चर की बात है। आज हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, डाइसेकेराइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में। इसके पहले लेक्चर में मैंने इसके यूनिट फर्स्ट का कार्बोहाइड्रेट का बेसिक्स और सेकेंड लेक्चर में मैंने मोनोसेकेराइड्स के बारे में बताया था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं डाइसेकेराइड्स के बारे में। डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। व्हाट इज डाइसेकेराइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? डाइसेकेराइड जो होते हैं दी सिंपलेस्ट और कॉमनेस्ट टाइप के ऑलिगोसेकेराइड होते हैं। ऑलिगोसेकेराइड मतलब जिसमें टू या मोर देन टू से अधिक जो पाए जाते हैं मोनोसेकेराइड्स, तो उसको ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो इसमें टू डाई मोनोसेकेराइड्स पाए जा रहे हैं तो इसे डाइसेकेराइड कहेंगे। ये सिंपलेस्ट होते हैं। डाइसेकेराइड जो है ये कंसिस्ट होते हैं टू मोनोसेकेराइड से और जॉइंड होते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के से। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अ बॉन्ड फाउंड बिटवीन द एनोमरिक कार्बन एटम ऑफ मोनोसेकेराइड एंड द ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एनोमेरिक कार्बन एटम क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए आपको लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा। मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि व्हाट इज़ एनोमेरिक कार्बन एटम। जो क्या होते हैं एनोमेरिक कार्बन, वो होते हैं जो क्या होते हैं कि एक दूसरे से एक किसी पोजीशन पे क्या होगा उनका ग्रुप चेंज होगा। अगर यहाँ OH है तो दूसरे में H पाया जाएगा और यहाँ OH, इस तरह से एनोमेरिक कार्बन एटम पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं एनोमेरिक कार्बन एटम ऑफ मोनोसेकेराइड एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्कोहल क्या होते हैं, मिलके ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं। इसमें H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसे रेजिड्यू भी कहते हैं, भी जानेंगे आप। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज लेबल्ड अल्फा एंड बीटा डिपेंडिंग ऑन द एनोमेरिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये दो टाइप के होते हैं अल्फा एंड बीटा। मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था कि एनोमेरिक कार्बन दो टाइप के होते हैं, अल्फा और बीटा, प्लेन ऑफ कॉन्फिग्रेशन के आधार पर कि OH जिसमें ऊपर है जिसमें नीचे है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। प्लीज़ आप सेकेंड लेक्चर देख लीजिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए ग्लूकोज आर, यहाँ पे रहेगा माल्टोज के बारे में बताया जा रहा है ये पहला, कि इसमें जो है ग्लूकोज लिंक्ड होता है अल्फ़ा वन से और बीटा, ये अल्फ़ा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। मतलब इसमें वन नंबर का कार्बन और फोर नंबर का ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं बॉन्ड बनाते हैं, जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसको लिखा जाता है अल्फ़ा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसा कि आप यहाँ माल्टोज वाले में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट देखिए इसमें कह रहा है द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन C1 द एनोमरिक कार्बन एटम ऑफ वन ग्लूकोज रेजिड्यू। ग्लूकोज रेजिड्यू का उस वहाँ पे रेजिड्यू वर्ड यूज किया जाता है जहाँ पे किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन से क्या हो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो, तो उसे कहते हैं ग्लूकोज रेजिड्यू। या कोई भी चीज़ अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो आप अमीनो एसिड में पढ़ेंगे अमीनो एसिड रेजिड्यू, जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड दे हाइड्रोक्सिल एंजाइम एटम ऑफ C4 एटम, मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइड्रोक्सिल एटम C4 का और C1 का जो है कार्बन एटम मिलके क्या बनाते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। द कॉन्फिग्रेशन ऑफ एनोमरिक कार्बन एटम पार्टिसिपेट इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज अल्फा। तो अल्फा कॉन्फिग्रेशन इसमें क्या होता है पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखिए अल्फा, अल्फा आप सबने पढ़ा होगा, अल्फा बीटा और गामा 3 रेज होती है। तो यहाँ दो तरह की कॉन्फिग्रेशन पाई जाती है, कौन कौन सी, अल्फा और बीटा। नेक्स्ट आपको मैं कुछ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के वो बता देती हूँ स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे बने हुए हैं। पहला देखिए, जब अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, आपको ये पता ही होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन मिलके सुक्रोज बनाता है। तो जब अल्फ़ा ग्लूकोज, इसका क्या है अल्फ़ा का 1 फर्स्ट मॉलिक्यूल और बीटा फ्रक्टोज का दूसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं सुक्रोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, इसमें बनता है अल्फ़ा 1,2 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है इसमें। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे इसमें क्या होगा इसका ये मॉलिक्यूल 1 नंबर का कार्बन और इसका 2 नंबर का OH मिलके क्या बनाएंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एक H यहाँ पे है और ये CH2OH ऊपर है और इसका
एक एच और ऊपर से एच, यहाँ से और यहाँ से एच टू और एक ओ मॉलिक्यूल रिलीज हो गए हैं। तो ये देखिए ऊपर का पूरा एच, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, ये ऊपर का पूरा ओ एच और नीचे से एच जो है क्या हो गया है, ये एच टू ओ रिलीज हो गया है। तो यही जब एच टू ओ रिलीज होता है तो उस ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, ग्लूकोज रेसिड्यू कहा जाता है। और ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सुक्रोज बना रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा ग्लूकोज मिलके माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके। तो इसमें देखिए इसका वन कार्बन एटम और इसका, सॉरी यहाँ पे देखिए इसका वन कार्बन एटम और इसका फोर्थ नंबर का कार्बन एटम मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे वन और ये फोर्थ मिलके अल्फ़ा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर रहे हैं। इसे अल्फ़ा वन फोर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ अल्फ़ा और यहाँ भी अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या था, अल्फ़ा वन और टू बीटा, दूसरा स्ट्रक्चर क्या था, बीटा फ्रक्टोज था, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, बीटा। तो ये क्या बना रहे हैं, वल अल्फ़ा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे हैं और माल्टोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर और देख लीजिए आप, इसमें देखिए बीटा गैलेक्टोज और अल्फ़ा ग्लूकोज मिलके क्या बना रहे हैं, लैक्टोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये आपको पता होगा कि बीटा गैलेक्टोज और अल्फ़ा ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। और इसमें कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, इसमें बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। इसका भी देखिए क्या होगा, यहाँ से भी ओ टू मॉलिक एच टू ओ क्या होगा, रिलीज होगा। इसके देखिए थोड़ा सा बॉन्ड फॉर्मेशन अलग है, यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक एच है, यहाँ से एक एच क्योंकि यहाँ ओ बचा है, और यहाँ से गया है आपका एक एच और ओ, ये पूरा चला गया है। तो ये क्या एच टू ओ रिलीज हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हर जगह एच टू ओ रिलीज हुआ, आप तीनों में देख सकते हैं एच टू ओ का रिलीज हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ यहाँ। इसीलिए ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जहाँ से एच टू ओ रिलीज होगा उसको रेसिड्यू बोलेंगे। और इस तरह से एच टू ओ के रिलीज से क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और हर कंपाउंड दो जब मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो डाईसैकेराइड बनता है, और हर डाईसैकेराइड का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन ऑप्शनल में होता है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि जो है माल्टोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, आपको चार ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको पता रहेगा कि इसमें अल्फ़ा वन फोर बनता है तो आप इसको इजीली बता लेंगे, और इसी तरह लैक्टोज में बीटा वन फोर बनता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसमें ये डायग्राम में का ही डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। द बॉन्ड कनेक्टिंग द एनोमेरिक कार्बन एटम टू द हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन एटम, एनोमेरिक कार्बन एटम और हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन एटम टर्म्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैं तो आपको कितनी बार बता चुकी हूँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितनी कैसे बनता है। सुक्रोज इज़ अ डाईसैकेराइड और ग्लू, ये किससे बनता है, सुक्रोज क्या होता है, एक डाईसैकेराइड होता है, और ये बनता किससे है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलके, जॉइंड बाई अल्फा वन टू बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। द डाईसैकेराइड माल्टोज कंटेन टू ग्लूकोज रेसिड्यू, माल्टोज किससे बनता है, दो ग्लूकोज, मतलब एक, अब ये डायग्राम में देखिए आपको माल्टोज कैसे बन रहा है, अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा ग्लूकोज से मिलके माल्टोज बन रहा है, वही यहाँ दिया गया है। उसके बाद दिया गया है इसमें अल्फ़ा वन फोर लिंकेज बनता है, सी वन इसका एक एनोमेरिक कार्बन एटम ऑफ वन ग्लूकोज रेसिड्यू एंड सी फोर ऑफ अदर मिलके क्या बनाते हैं, अल्फ़ा इसमें वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड बनाते हैं। लैक्टोज इज अ डाईसैकेराइड ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज रेसिड्यू जॉइंड बाई अल्फ़ा बीटा वन फोर लिंकेज, जिसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वन फोर लिंकेज ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। सुक्रोज के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, सुक्रोज का में फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखिए सिमिलरली सुक्रोज इज़ अ डाईसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रेसिड्यू। सुक्रोज क्या होता है, डाईसैकेराइड होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज रेसिड्यू का, मतलब इन दोनों को मिला के एच टू ओ रिलीज होता है, जॉइंड बाई अल्फ़ा वन एंड टू बीटा, इसे अल्फ़ा वन मतलब एक एनोमेरिक कार्बन अल्फ़ा, एक जो आपका सुक्रोज में ग्लूकोज है उसका अल्फ़ा वन, फ्रक्टोज का टू बीटा। अब अल्फ़ा बीटा क्या होता है, इसके लिए तो एनोमेरिक कार्बन आपको जानना पड़ेगा, इसके लिए सेकंड लेक्चर आप देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन सी वन ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यू एंड सी टू ऑफ एनोमेरिक कार्बन, तो ये क्या करता है, फ्रक्टोज रेसिड्यू द एनोमेरिक कार्बन ऑफ बोथ मोनोसैकेराइड यूनिट आर इन्वॉल्व और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ये। द कॉन्फिग्रेशन ऑफ एनोमेरिक कार्बन
एटम इन्वॉल्व ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन आर अल्फा फॉर ग्लूकोज और बीटा फॉर फ्रक्टोज. द एब्रीविएटेड नेम ऑफ सुक्रोज इज ईदर ग्लूकोज अल्फा वन और टू बीटा या फ्रक्टोज या एफ आर यू लिख के टू बीटा अल्फा वन गैलेक्टोज. दोनों तरह से इसको आप बोल सकते हैं. यहाँ पे यही बताया गया है कि आप इन दोनों में से किसी भी वर्ड से इसका प्रोनंसिएशन कर सकते हैं. चलिए अब हम एक चार्ट के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लेते हैं. इनका अकरेंस एंड बायोकेमिकल रोल्स ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव डाइसैकेराइड्स के बारे में जान लेते हैं. ये देख सकते हैं आप इसको, ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा और भी लिखा सुक्रोज के बारे में. सुक्रोज ए डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल. कंडेंसेशन मतलब जहाँ H2O रिलीज होता है, ठीक. कंडेंसेशन में H2O रिलीज होता है. कंडेंसेशन प्रोसेस आपने 12th तक में पढ़ा होगा, 6th-7th में भी है. कंडेंसेशन क्या होता है, वास्प जो H2O रिलीज होता है. यहाँ देखिए सबसे पहला क्या है, सुक्रोज मॉलिक्यूल. ये किससे बनता है, इसका सोर्स क्या है, ये ग्लूकोज अल्फा वन एंड टू बीटा फ्रक्टोज मिलाकर क्या बनता है, ये फॉर्मेशन होता है. इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन आप लिख सकते हैं या रोल लिख सकते हैं. ये क्या है, ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सुक्रोज क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट होता है. सेकंड देखिए लैक्टोज. लैक्टोज लैक्टोज क्या होता है, ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज को मिलकर बनता है. गैलेक्टोज का बीटा और ग्लूकोज का 4 नंबर का कार्बन. और ये मेजर एनिमल एनर्जी सोर्स, ये एनिमल का मेजर एनर्जी सोर्स है लैक्टोज. फिर ट्रीहैलोज, ये ग्लूकोज अल्फा वन एंड ग्लूकोज अल्फा वन से मिलकर बना होता है. ये मेजर सर्कुलेटरी सुगर इन इंसेक्ट यूज्ड फॉर एनर्जी. इंसेक्ट में जो सर्कुलेशन होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है और एनर्जी के जैसे एनर्जी के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है. माल्टोज, माल्टोज तो आपने पढ़ा ही है, इसमें ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है. ग्लूकोज ग्लूकोज दोनों अल्फा मिलके बनाते हैं. और ये क्या होता है, डाइमर, सॉरी रुकिए मैं इसको क्लियर कर दूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये क्या होते हैं, ये डाइमर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. ये डाइमर होते हैं. डाइमर का मतलब जो दो, एक मोनोमर और दूसरा मोनोमर मिलके डाइमर बनाते हैं. ये किससे डिराइव होते हैं, ये डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न होते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन से. माल्टोज निकलता है. स्टार्च और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हम लोग के लीवर में ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है. सेल, ये सेलोबायोस, इसका यूज़ ये कैसे बनता है, ये बनता है आपके ग्लूकोज बीटा 1,4 ग्लूकोज से. इसमें क्या होता है, बीटा दोनों जो प्लेन रहेंगे एनोमेरिक कार्बन रहेंगे वो क्या होंगे, बीटा ही रहेंगे. ये होते हैं डाइमर ऑफ सेलुलोज पॉलीमर. सेलुलोज पॉलीमर, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल तो आप जानते होंगे प्लांट सेल में सेलुलोज पाया जाता है. तो ये उसका, सॉरी एनिमल सेल में सेलुलोज पाया जाता है. तो ये क्या होते हैं, सेलोबायोस बनाते हैं. और फिर जेनेटियोबायोस, सॉरी यहाँ पे ये देखिए कट हो गया है एडिट करते वक्त, जेनेटियोबायोस ये क्या होते हैं, ये ग्लूकोज बीटा 1,6 ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं. ग्लाइकोसिडिक, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक. तो ये मिलके बनाते हैं दोनों. और ये क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट किसके होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट ग्लाइकोसाइड्स और सम पॉलीसेकेराइड, ठीक है, इसके लिए होते हैं. नेक्स्ट हम लोग कुछ जान लेते हैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है और क्या फॉर्मेशन होता है इसमें. देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रा रोटेटरी और लीवर रोटेटरी का मतलब क्या होता है, जो मूव, डेक्स्ट्रा रोटेटरी का मतलब जो राइट साइड से मूव करे और लीवर रोटेटरी का मतलब होता है जो लेफ्ट साइड से मूव करे. या इसको इस तरह से भी कहते हैं कि डेक्स्ट्रा रोटेटरी क्लॉक वाइज मूव करता है. सॉरी एक मिनट रुक जाइए. डेक्स्ट्रो मतलब जिसमें क्या हो, राइट साइड में रोटेशन हो, क्लॉक वाइज हो. और लीवर रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉक वाइज जिसका रोटेशन हो, ठीक. इस ये हमेशा लिखा रहता है डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, तो मतलब जो राइट साइड से क्लॉक वाइज घूमेगा उसको क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. और जो एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लीवर रोटेटरी. और ये आपका क्लॉक वाइज, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक. मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है,
अगर ये इस पैटर्न में घूम रहा है ठीक क्लॉकवाइज तो इसको डेक्स्ट्रो कहेंगे, और ये अगर उल्टा घूम रहा है तो इसको लीवो कहेंगे। ठीक, सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमता है। इट्स स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है इसका, +66.5 डिग्री इसका ये स्पेसिफिक रोटेशन होता है, इतने टर्न में ये रोटेट कर सकता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज विथ हॉट डाइल्यूट एसिड यील्ड डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। अगर आप हाइड्रोलिसिस, मतलब क्या होता है, लिसिस का मतलब कहीं भी होता है टूटना, ठीक टूटना, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है वाटर के साथ सुक्रोज को तोड़ा जाता है, तो ये क्या हॉट डाइल्यूट एसिड के साथ, कोई भी डाइल्यूट एसिड, हॉट डाइल्यूट एसिड लिया जाता है, तो ये ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। ये क्या होते हैं, डी ग्लूकोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट डी फ्रक्टोज इज अ लीवर रोटेटरी। डी ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन डी फ्रक्टोज क्या होता है, वो लीवर रोटेटरी होता है, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या आता है, माइनस में आता है, 92 डिग्री है इसका, ठीक माइनस में आता है। जब क्लॉकवाइज घूमेंगे आप तो प्लस में आएंगे, और जब उल्टा घूमेंगे तो उसको माइनस में कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए इस तरह क्लॉकवाइज तो इसको प्लस में, और जब एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब घड़ी के जब उल्टी दिशा में घूमेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक इसमें और देखिए नेक्स्ट क्या बोला है इसमें, सिंस डी फ्रक्टोज हैज ग्रेटर स्पेसिफिक रोटेशन देन डी ग्लूकोज, तो डी फ्रक्टोज के पास स्पेसिफिक रोटेशन है क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज लीवर रोटेटरी, तो ये जो मिक्सचर एक्चुअली ये बनेगा इन दोनों का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, तो इसको क्या कहा जाएगा, लीवर रोटेटरी, क्योंकि ये इसमें डोमिनेटिंग है, इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा, लीवर रोटेटरी कहा जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। इस इन्वर्ट मतलब क्या है, इसमें लीवर रोटेटरी और इन्वर्जन हो रहा है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, एंड इक्यू मॉलिकुलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज नोन एज इन्वर्ट सुगर। और इन दोनों का ये इक्वल मॉलिक्यूल है ना, ये दोनों इक्वल मॉलिक्यूल में है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, तो इस वजह से इनको इन्वर्ट सुगर या इन्वर्टोज भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मॉलिकुलर वेट क्या होता है, इक्वल मॉलिकुलर वेट है इनका, लेकिन इसमें डोमिनेट कौन सा है, फ्रक्टोज वाला, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, इन्वर्ट सुगर या इन्वर्टोज। देखिए इस लेक्चर में मैंने आपको डाइसैकेराइड के बारे में बताया कि डाइसैकेराइड क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बारे में, फिर सुक्रोज के बारे में कि सुक्रोज क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, उसके बाद से इसके बाद से सब कॉमन इसमें कुछ डाइसैकेराइड के नाम बताएं कि उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सा लिंकेज किसमें इन्वॉल्व होता है, एनोमरिक कार्बन एटम क्या होते हैं, क्योंकि इसमें सारा खेल एनोमरिक कार्बन एटम का ही है कि किसका कौन सा कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके बाइंड कर रहा है, रिएक्ट हो रहा है और H2O निकल रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें हाइड्रोलिसिस आपको सुक्रोज के बारे में बताया। देखिए आपके क्वेश्चन में अगर पूछा भी एग्जाम में तो वो आपका पूछेगा या तो शॉर्ट नोट पूछ लेगा डाइसैकेराइड पे, या फिर अगर ऑप्शनल में किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऑप्शनल में पूछता है तो उसमें लिंकेज के बारे में ज़रूर पूछता है, या पूछ लेगा व्हाट इज़ इन्वर्ट सुगर, व्हाट इज़ इन्वर्टोज, या गिव शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आप चिंता मत करिए, लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको, थियरी वाले या ऑप्शनल दोनों तरह के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और इसमें लेक्चर में देखिए आपको डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड दो चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ मैं, अब पॉलीसैकेराइड बचा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पॉलीसैकेराइड के बारे में बताऊँगी। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है कि अगर इन सभी चीज़ों के नोट्स आपको चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हैं उनके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ पर पहले से ही पढ़े हुए हैं। तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर, और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।